हमारे भाई हैं, बड़ी संख्या में हमारे भाई और बहन शहीद स्मारक धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार इनका किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं ले रही है। इन लोगों को नौकरी दे दी गई पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इनका सब कुछ कर चुके हैं, अब इनको जो है कभी कोर्ट की तरफ से, कभी किस कर्मचारियों की चयन बोर्ड की तरफ से जो है जुमले दिए जा रहे हैं। ये लोग अपने धरने पर बैठे हैं और हम इस लड़ाई को जीतेंगे, मजबूती से जीतेंगे। आज उन्होंने बात कही है, कुछ लोगों के नाम बताएं, हम उनसे मिलेंगे और इसमें क्या राय मशवरा हो सकता है, हम पूरी जानकारी लेके जो है इनके साथ में जो है इनके हक के लिए लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और हमारा तो सरकार से ही निवेदन है, जब से आप सरकार में आए हो तब से जो है युवा जो है सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कैसी सरकार आई है जहाँ पे युवाओं को जो है सड़कों पर बैठना पड़ रहा है सरकार बनते ही। सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये नौजवान हैं, इनका साथ देना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। धन्यवाद। अभी चेयरमैन साहब से हमारी वार्ता हुई, डेलीगेशन की वार्ता हुई है, तो उसके बाद में ये चेयरमैन साहब ने बोला है कि हम डबल एजी साहब से पैरवी करवाएंगे, अगर एजी साहब नियुक्त हो जाते तो उनसे पैरवी कराएंगे। तो ठीक है, हमने हमारी जो पूरी टीम ने और ये जितने भी युवा साथी है इन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा धरना जारी रहेगा शहीद स्मारक पे, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। भर्ती अध्यापक भर्ती 2022 मैं जो भी आचार संहिता लगने के बाद में 6000 बच्चों की लेवल प्रथम में नियुक्ति नहीं हुई थी और आचार संहिता जैसे ही हटी उसके पश्चात कोर्ट में कुछ दो चार क्वेश्चनों के लेकर कोई विवाद और वकीलों ने आपस में कमाई करने के चक्कर में बोर्ड और बोर्ड के खिलाफ जो एक कोई याचिका लगाई थी और उसमें स्टे दिया था और स्टे के सामने बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। और अध्यापक भर्ती 2022 स्पोर्ट्स कोटे और प्रोविजनल विद्यार्थियों का अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है, तो आपके माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अध्यापक भर्ती 2022 का प्रॉपर रूप से और पूर्ण पूरी की जाए। अभ्यर्थियों के लिए मैसेज है कि जो ये कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है और उसमें कोई छेड़छाड़ करना या कुछ भी इसमें दखलंदाजी करना अलाउड नहीं होता है। और हम बोर्ड खुद चाहता है कि जो ये इशू है L1 का, शीघ्र इसको निपटारा हो और हमारा जो वकील है वहाँ पर पूरी कोशिश करता है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी इससे बेहतर कोशिश करेंगे पैरवी कराने की ताकि ये समस्या जल्दी से ख़त्म हो जाए।